हेलो। सो हियर इज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड। इट्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। द क्वेश्चन इज हियर ऑन द बोर्ड। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। व्हेन दिस वर्ड रेस्पेक्टिवली इज यूज, इट मीन्स 5 मीटर इज लेंथ, 4 मीटर इज ब्रेथ एंड 3 मीटर इज हाइट। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स। हाउ मेनी वॉल्स डज अ रूम हैज? 4 वॉल्स इंक्लूडिंग द सीलिंग। व्हाट इज द रेट? एट द रेट ऑफ ₹750 पर मीटर स्क्वायर आई हैव टू फाइंड। सो इफ आई स्पीक दैट द रूम इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड, यू एग्री विथ मी? आई नो 100% यू आर एग्रींग विथ मी। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें यह पता है रूम जो है क्यूबॉइड है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमें चारों दीवार करनी है और छत करना है। क्या नहीं करना? फ्लोर नहीं करना है। तो फ्लोर नहीं करना है तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का हमें फॉर्मूला तो पता है, उसमें से हम फ्लोर का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है और बहुत इजी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब हम सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन में आपको गिवन क्या है वो आप जरूर लिखे। तो जस्ट सी हियर ऑन द बोर्ड सोल्यूशन गिवन। अब क्या क्या आपको दिया हुआ है? गिवन लेंथ, लेंथ आपको कितना दिया हुआ है? लेंथ इज इक्वल टू कितना है? 5 मीटर। वेरी गुड। फिर ब्रेथ कितना दिया हुआ है? ब्रेथ इक्वल टू 4 मीटर। वेरी गुड। देन व्हाट इज गिवन? हाइट, हाइट इक्वल टू 3 मीटर। वेरी गुड। पहले तो मुझे पता करना है सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंक्लूडिंग द सीलिंग, तभी ना हम उसका कॉस्ट पता करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, ठीक है ना? आप देखो कैसे निकलेगा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हम दिमाग में रखना है कि ये तो क्यूबॉइड होता है, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 LB प्लस BH प्लस HL। इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL, पर इसमें मैं कुछ माइनस करूंगी। माइनस क्या करूंगी? एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि उसको मुझे चूना नहीं करना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है? एरिया ऑफ फ्लोर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, होता है ना? फ्लोर क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसको हम माइनस करेंगे। तो अब ये फॉर्मूला कैसे हो जाता है? ये 2 LB है और इस फॉर्मूले को आप देखिए, 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL माइनस LB। अब ये LB है और ये LB है ना? मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से आपको दिखा देती हूँ। ये LB है और ये LB है, तो हम इसको जब कॉमन करेंगे तो क्या होगा? 2 LB में से 1 LB माइनस हो गया, तो क्या बचा? LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL। अब हमें बहुत सिंपल है, सबका वैल्यू पुट कर दो। लेंथ कितना दिया हुआ? 5, तो ये आ गया 5 इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 4। वेरी गुड। प्लस अब नेक्स्ट 2 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 4 इंटू हाइट 3 मीटर प्लस 2, हाइट कितना दिया है? 3 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है? 5। वेरी गुड। तो ये हमारा आ गया 20 प्लस 4 3 12 4 3 12 12 2 24 प्लस 5 3 15, 15 2 30। तो देखो अभी कितना आ रहा है, ऐड कर देते हैं हम 4 3 4 5 6 7 दिस मच मीटर स्क्वायर। वाओ, ये तो मुझे पता चल गया कि मुझे 74 मीटर स्क्वायर जो है इसको व्हाइट वॉश करना है। अब आपको कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट अगर मुझे निकालना है, यहां तक वेरी क्लियर हो गया? इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद का जो स्टेप है, इसके बाद का स्टेप जो है वो हम कैसे करेंगे? अब देखो यहां
टोटल एरिया तो मेरा आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, ये हमको दिया हुआ है पर स्क्वायर मीटर कितना दिया हुआ है, रुपीज 750। वेरी गुड, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना आपका 74 इंटू कॉस्ट कितना है 7.50 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये इसका कॉस्ट है। जब हम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं तो उस समय हमें यूनिट नहीं डालना है, तो कॉस्ट में हम क्या डालेंगे, यहां पर रुपीस डालेंगे। अब इसको जब मैं आंसर करूंगी तो आंसर, फाइनल आंसर में मुझे रुपीस डालना जरूरी है। अब डेसिमल के बाद एक जीरो है, मैंने जीरो डाल दिया। अब 75 इंटू 74 आप रफ में करो, 74 इंटू 75 आप रफ में करिए, 5 4 20 2 7 5 35 36 37 7 4 28 अगेन 2 carried 7 7 49 50 51, ये सबको हम प्लस करेंगे, 7 7 14 15 1 3 4 5, ठीक है। और क्योंकि डेसिमल यहां था एक जीरो था तो दो जीरो आ रहे हैं, हमने डेसिमल के बाद दो जीरो डाल दिया और यहां डाल दिया 5 5 5, करेक्ट। सो दिस इज अवर आंसर, कितना सिंपल था, लेंथ ब्रेथ हमको सब चीज दिया हुआ था, लेंथ ब्रेथ हाइट, खाली इस क्वेश्चन में दिमाग में हमें क्या रखना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड मैंने आपको इसके पहले वाले स्लाइड में भी पढ़ाया, इसके पहले वाले ट्यूब आपके एपिसोड में भी पढ़ा दिया था कि होता है टू, क्या पढ़ाया था मैंने, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्यों, क्योंकि हर साइड रेक्टेंगल होता है, हर साइड रेक्टेंगल, कोई किसी का अगर लेंथ है या किसी में अगर वो बन गया ब्रेथ तो दूसरे के लिए हाइट हो गया, मैंने आपको मैच बॉक्स दिखाया था और समझाया था। तो इसमें से क्या हुआ कि इन्होंने बोला चार वॉल को ही मुझे पेंट करना है और छत को पेंट करना, तो भाई जमीन तो बच गई, तो जमीन का एरिया हमको माइनस करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ ए फ्लोर। तो माइनस एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, वो तो रेक्टेंगल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फिर इस फॉर्मूले को मैंने इसको सॉर्ट आउट किया, फॉर्मूला फाइनली ये आ गया। जब फॉर्मूला ये आ गया तो जो वैल्यूज दिया वो हमने पुट अप कर दिया, वैल्यूज देने के बाद हमें आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस सीलिंग। फिर हमें क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, वो हमने लिख दिया, टोटल कॉस्ट निकाला है तो भाई टोटल एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, तो दोनों को हमने इंटू कर दिया, क्योंकि जब कॉस्ट की बात आती है तो आंसर रुपीस में होना चाहिए, इसे हमने लिख दिया। कितना सिंपल था, तो ये क्यूबॉइड का एक क्वेश्चन हो गया। ओके, सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ वी आर हैविंग द सेकंड क्वेश्चन हियर, एंड व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है उसमें क्या है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे बात क्या हो रही है, क्यूबिकल बॉक्स की, यानी कि ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसका एज दिया 10 सेंटीमीटर। अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, अब देखो दूसरा बॉक्स क्या है, वो क्यूबॉइडल है, यानी कि वो क्यूब नहीं है, वो क्यूबॉइड है। सो क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है। पर क्वेश्चन है विच बॉक्स हैज ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, जो हमारा गड़बड़ करने वाला पार्ट है वो ये है, लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कौन बड़ा है और कितना। सेकेंड पार्ट है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, ठीक है। अब पहली बात है, जब मैं लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब है अगर मैं क्यूब ले रही हूं, सॉरी अगर मैं क्यूब ले रही हूं तो चारों तरफ का ऊपर और नीचे को छोड़कर, मैंने क्या क्या, ऊपर और नीचे को छोड़कर, अगर डाइस है मेरे पास, क्यूब का एक बॉक्स है, तो उसका ऊपर का एरिया छोड़ दो, नीचे का छोड़ दो, चारों तरफ का हमें देखना है, तो वो लैटरल सरफेस एरिया हो जाता है। और जब हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो ये चारों साइड प्लस ऊपर और नीचे, यानी कि 6 के 6 साइड्स इंक्लूड होते हैं। तो हमने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, वो हमने पढ़ा 6a स्क्वायर, वो कौन सा हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। इसी तरह से हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड भी पढ़ा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है लेटरल सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है. तो दिमाग में रखना है लेटरल सरफेस एरिया मीन्स ओनली द फोर साइड्स, ओनली द फोर साइड्स. हम चारों तरफ का खाली ले रहे हैं ऊपर, यानी कि अगर एक रूम ले रहे हैं तो सीलिंग और फ्लोर को छोड़ दे रहे हैं चारों तरफ, वो हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया. तो सबसे पहले जो हम सोल्यूशन करेंगे तो हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे. तो गिवन में हमें क्यूब का क्या दिया हुआ है, साइड. क्यूब का मुझे क्या दिया हुआ है, साइड. साइड ऑफ ए क्यूब इज गिवन टू बी एज 10 सेंटीमीटर. अब क्यूबॉइड का मुझे क्या क्या दिया हुआ है वो पहले आप लिख लें. क्यूबॉइड का मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेंथ. ठीक है, अब कॉमा की जगह मैं यहां ये बना देती हूं. लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ 12.5 सेंटीमीटर. फिर मुझे दिया ब्रेथ. ओके, तो ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर. वेरी गुड. फिर मुझे हाइट दिया हुआ है, हाई मतलब हाइट दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है हमें यहां, 8 सेंटीमीटर. कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, यूनिट सबका देखो. इसका भी सेंटीमीटर है, इसका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर. अगर किसी का यूनिट आपको मीटर में दिया है तो पहले उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें. तो एक ही यूनिट में आपको सब रखना है, तभी हम आगे सोल्यूशन कर सकते हैं. तो दिमाग में क्या रखना है, यूनिट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. बच्चे क्या करते हैं हड़बड़ी में, अगर मैंने यहाँ पे 0.8 मीटर दिया है, आपको ध्यान रखना है कि इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो वो हो जाएगा 0.8 मैंने मीटर दिया है, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी के यूनिट्स को सेम करना है, वो देखना. तो ठीक है, हमें सारे यूनिट्स दिए हुए हैं सेंटीमीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हमें पूछा गया क्वेश्चन वन में, विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सर्फेस एरिया. अब जब मैं लेटरल सर्फेस एरिया की बात कर रही हूं तो लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो यानी कि मैं चार ही फेसेस ले रही हूं ना, उसका दो फेस तो छोड़ दे रही हूं जो रूफ और सीलिंग है, तो यानी कि यहां पे हम लिखेंगे 4 साइड स्क्वायर. अगर हम पूरा लिखेंगे तो वो हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर, है ना. तो यहां पर हमने क्या किया, 4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड कितना है, 10. 10 स्क्वायर होता है 100, तो ये आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सिंपल, कितना सिंपल है. अब हमें पूछा गया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. अब मुझे क्यूबॉइड के बारे में पता करना पड़ेगा. इसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में हम चार ही पार्ट्स को लेते हैं, तो इसमें 2 एल बी प्लस 2 एच एल प्लस बी एच. ठीक है, कैसे आता है वो भी बता देती हूं. पहले ऐसे देखिए, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया. ठीक है ना, अभी पहले फॉर्मूला से आप करना शुरू करिए. देखिए ये फॉर्मूला सोचिए कि आपको नहीं पता कैसे आएगा. टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया, अब सीलिंग और रूफ. तो सीलिंग और रूफ में क्या होगा, दोनों तो रेक्टेंगल है, तो 2 एल इंटू बी होगा. एल इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हुआ, एरिया ऑफ अ फ्लोर. और एरिया ऑफ अ सीलिंग भी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 एल बी. अब देखो यह फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसको हम बाहर निकालते हैं. ये 2 एल बी बना प्लस 2 बी एच बना प्लस 2 एच एल बना माइनस 2 एल बी. अब यहां पे हमें जो देखना है, मैं पेन चेंज कर रही हूं और आपको समझा रही हूं, ये एल बी है और ये भी एल बी है ना. ये प्लस में या माइनस में कट गया. अब आपका फॉर्मूला क्या बचा, तो फॉर्मूला मेरा बच रहा है 2 बी एच प्लस 2 एच एल. तो मैं क्या कर रही हूं, 2 को कॉमन ले रही हूं, तो बचा क्या, बी एच प्लस एच एल, है ना. तो आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड चार ही साइड का जब मुझे लेना है तो फॉर्मूला क्या आया, 2 बी एच प्लस एच एल. ये आपको किसी बुक में समझाया नहीं जाएगा, इवन आप जब एनसीईआरटी बुक को भी देख रहे हैं उसमें ये बहुत क्लियर नहीं किया हुआ है
कि ये फॉर्मूला कैसे आया, पर आपके दिमाग में रहेगा कि ये फॉर्मूला अगर है तो कैसे आया, कैसे आया वो मैंने आपको यहां समझाया। फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा, पर जब मैं फ्लोर या सीलिंग की बात कर रही हूं तो फ्लोर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सीलिंग का भी एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दो हो गए, इसे मैंने 2 lb कर दिया। हमने इसको बॉक्स से बाहर खोला, इसे भी सॉर्ट आउट किया, फिर दोनों माइनस एंड प्लस lb कट गया, तो बचा किया ये, फिर इसमें से हमने 2 कॉमन लिया। दिस इज हाउ आई हैव गॉट दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमें खाली पुट करना, मैंने क्या कहा मिस्टेक यहां होगी, मिस्टेक यहां होगी, फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, अब देखो 2 और b कितना दिया हुआ है आपको 10 cm और इनटू एच, यहां पे एक बड़ा बॉक्स भी बना देती हूँ, h कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, फिर प्लस h 8 इनटू लेंथ 12.5। ठीक है, और बॉक्स क्लोज, तो अब ये क्या हो गया 2, 10 × 8 = 80। अब ये आपको नहीं आ रहा, मैं ओरली भी कर सकती हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, आपके लिए जो कंफर्टेबल होगी, मैं तो ओरली इसको आराम से कर लेती हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 16, 4 × 22, 8 × 1 = 8, 9 = 10, डेसिमल के पीछे एक नंबर था कट गया, ये हो गया 100। अब ये क्या हो गया 2 × 180, यानी कि आंसर कितना आ गया 360 cm². अब पार्ट वन में पूछा गया है आपको, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है विच हैज अ ग्रेटर लेटर सरफेस। अब ये 400 है, ये 360, कौन बड़ा है, क्यूबिकल बड़ा है, तो एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज मोर देन क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स बाय कितना, तो यहां पे हम दिखाएंगे 400 में से माइनस किए 360, तो आंसर कितना आ गया 40 cm². ये समझ में आया मैंने कैसे किया है, ये तो बहुत सिंपल था। लेटरल सरफेस एरिया में हमेशा दिमाग में रखना है कि चारों साइड का पूछा जा रहा है, हमको ऊपर या नीचे का पार्ट नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्यूब में भी मैंने 4 × side² लिया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पूछा गया था किसका बड़ा है लेटरल सरफेस एरिया और कितने से, तो हमने दोनों का निकाला। इसका कैसे ये फॉर्मूला बना ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी क्लियर, फर्स्ट पार्ट इज वेरी क्लियर। आई एम मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। चलिए तो और इजी है, ये तो बहुत इजी है क्योंकि हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, तो अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सो फर्स्ट पार्ट आई होप सो इट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब देखो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगी, मैं सिंपल इसी पर चली जाऊंगी न्यूमेरिकल करते हुए, सेम फॉर्मूला एवरीथिंग आई एम गोइंग टू यूज, फॉर्मूला लिटिल बिट देयर इज अ स्लाइट चेंज। See here on the board. अब जो क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट में हमको पूछा गया टोटल सरफेस एरिया है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब मैंने आपको इसके पहले पढ़ा दिया 6 × side², क्योंकि आप लूडो के डाइस को देखेंगे 6 sides होते हैं, तो सभी साइड का 6 × side², तो ये आ गया मेरा 600 cm². यही लेटरल था, 4 sides मैंने लिया था, टोटल आ गया 6 sides पेन लिया। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, तो इसमें सेम फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है। अब क्या करना है, हमें सिंपल वैल्यू पुट करना है, खाली लेटरल सरफेस एरिया में प्रॉब्लम था, इसमें कुछ भी नहीं है। सो फॉर्मूला इज वेरी क्लियर, वी हैव रिटन द फॉर्मूला अगेन, नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू। सो 2 आई एम मेकिंग द बॉक्स, लेंथ कितना दिया हुआ है 12.5, ब्रेथ है इंटू 10, वेरी गुड, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर ब्रेथ है, ब्रेथ देखो कितना दिया हुआ है 10 cm, इंटू हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है 8, फिर प्लस, और फिर हाइट कितना दिया 8, और लेंथ कितना है 12.5। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो पहला वाला बनता है 125,
plus 80 plus 100, हम ये सबको ऐड करते हैं तो 2 इन 2, अब सबको ऐड करते हैं, ये है 180 प्लस 125, 180 प्लस 125 तो कितना बच रहा है, 8 to 10, 305, ये आ रहा है मेरा 305। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ रहा है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया। अब आपको पूछा है विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, इसका 600 है टोटल सरफेस एरिया, इसका 610 है, तो कौन सा छोटा हुआ, क्यों? तो अब इसके बाद जो हम आंसर लिखेंगे स्टेटमेंट में ही लिखेंगे, टी ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज स्मॉलर देन क्यूबॉइडल बॉक्स, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है ये तो एक आंसर बाय हाउ मच, तो बाय हाउ मच के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 610 में से 600, 610 माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया, कितना सिंपल है। तो हमने अभी दो क्वेश्चन किया, दोनों ट्विस्टेड क्वेश्चन किया, अब उम्मीद करती हूँ कि आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, फिर भी कोई क्वेरी है तो यू कैन जस्ट पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और सेंड टू मी ऑन माई पैशनेट टीचर ईमेल। ओके, सो टिल दैट टाइम कंप्लीट योर 13.1 एक्सरसाइज एंड आई होप सो द थिंग्स विल बी वेरी क्लियर, बाय एवरीवन।